Hello everyone, I am Atai Sharma and welcome to my channel. In previous episode, we have discussed second part of question 2. Okay, now in the third part, and the question is, Rohan's mother age is 26 years older than him. Rohan ka age jo hai, means mother jo hai, ye Rohan se kitna zyada hai? 26, iska meaning kehne ka ye hua. And then, the product of their ages in years 3 years from now will be 360. Means अभी से 3 साल बाद, means after 3 years, दोनों का जो product होगा is equals to 360. दोनों के ages के product होगा 360. Then we would like to find the Rohan's percentage. तो आपको Rohan की percentage find करनी है. भाई find करना वही तो मानोगे भाई, तो क्या लिखोगे? Let percent is of Rohan B x years. Okay, then Rohan's mother is equals to what? X plus 26. रोहन से 26 साल ही ज़्यादा है, ठीक है ना? अभी से इसने कह रखा 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन इट विल बी, अभी से 3 साल बाद तो ऐड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस 3 years, then age of Rohan's mother, ये क्या हो जाएगी x plus आपका 26 पहले तो था और इसमें और कितना जुड़ जाएगा 3, तो ये क्या हो गया x plus 29 years हो गया ये, क्लियर? अब इसने क्या रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी 360, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इट विल बी व्हाट 360. थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नाउ यू विल गेट हियर एक्स इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360, क्लियर? एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू 360, ठीक है? यहाँ तो हो गया, अब थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो ये आपका हो जाएगा इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32x प्लस 87 माइनस ऑफ 360 इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है जी? अब यहाँ पे क्या हो गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 32x, तो ये आपका हो जाएगा 372 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये इक्वेशन आपके आगे दिखा लिखो इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन सिचुएशन, ओके? दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इन दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.